और भाई क्या कर रहे हो भव्य? भव्य भाई तेरे को कैसे पता? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? अरे भाई और बता क्या कर रहा है भाई आजकल? भाई बता भाई नाम कैसे पता? भाई बता बता भाई भाई। अरे छोड़ भाई, ये तो मेरा काम है भाई, ये बातें बताई नहीं जाती। इसका नाम बता दे। मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। हेलो रीत, तुम्हारा कैमरा रुक रहा है यार। तो मतलब हम पहले हमारी बात हुई है? नहीं तो हम पहली बार मिल रहे हैं। How do you know my name? मिथुन राशि है तुम्हारी, भोपाल से ही तो तुम यार। तुम मेरा नाम कैसे? और वो श्रेया कैसी है? और भाई शिवांग MBBS बढ़िया चल रही है तेरी? अरे तुझे मेरा नाम कैसे पता? सब कुछ जानता हूँ। क्या कर रहा है हिंदी कैसे आती है फिर तुम्हें? क्योंकि मैं इंडिया से ही हूँ। और इस सुंदरता का राज? कुछ नहीं। अरे मैं सोच रहा हूँ यार इंग्लैंड शिफ्ट होने की सोच, क्योंकि यार वहाँ मेरे लिए इजी रहेगा ना, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मेरी वाइफ रहती है। परमानेंट हो गए वहाँ पे? हाँ अभी के लिए। ठीक है फिर आ जाऊँ मैं। ओके। अच्छा इंस्टाग्राम पे हो बाय द वे? हाँ। दे सकते हो तुम? सो एक्चुअली इतना यूज करती नहीं हूँ। नंबर तो करती हो? हाँ करती हूँ, बट इंस्टा ले लो। हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं, ऐसे स्ट्रेंजर को नहीं दे सकते यार व्हाट्सएप, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्ट्रेंजर कहाँ हूँ मैं। चीज बढ़िया है। तो अच्छा दो हफ्तों में आ रही हो तुम इंडिया, घुमाओगे तुम मुझे? फिर एक हफ्ते में मैं तो चली जाऊंगी। ओ यार छोटा सा मोमेंट बहुत होता है, शादी तो करनी है। तुम अभी 20 की हो है ना, तुम कह जैसे बता रही हो लगती तो नहीं हो, मान लेता हूँ तुम कह रही हो तो। कितने की लगती हो फिर? 22 or 23 की लगती हो। एक चीज और लगती हो? क्या? बहुत प्यारी। ये सारी लड़कियों के साथ इतना ही फ्लर्ट करते हो? नहीं मैं सारी लड़कियों से बात नहीं करता, मैं तुमसे ही कर रहा हूँ। ओके टेल मी वन थिंग, व्हाट यू लाइक अबाउट इंडिया, लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू लाइक अबाउट इंडिया? It's not even a question to ask, Jay Sheeran. Wake up to reality. Are you today's date? No. Why? Because you are 10 out of 10. Oh my god. Dhadka ye dil, saans thak. But you know, you are 10 out of 0. Is that a compliment? You are 0 of my 10. So you are 0. You are my 0. I'm... So you are the one. Yeah. कहाँ से लग रहा हूँ? पाकिस्तान से लग रहा हूँ। इंडिया में कहाँ से? Guess. Guess तो मैंने पाकिस्तान से किया था। पाकिस्तान के करीब। कश्मीर। हाँ पाकिस्तान जाने की तैयारी। क्यों पाकिस्तान में ऐसा क्या है? हिंदुस्तान से आज़ाद होने की तैयारी हो रही है और पाकिस्तान ना जाने की तैयारी हो रही है। तो फिर कहाँ जा रहे हो? कनाडा? तो कश्मीर में रहेंगे, अपनी जगह अपना मुल्क बना के बैठेंगे। ओहो मतलब तुमने कश्मीर को एक अलग ही। अच्छा बस 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 कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। नहीं मसला है भाई, मसला है तुमने कश्मीर को बहनचोद एक अलग ही देश बना लिया है। यही तो तुमने की बहनचोद कश्मीर को एक अलग ही देश बना लिया। बस बस। अरे मैंने आज मीम भी देखी थी भाई, इससे रिलेटेड मैंने एक मीम भी देखी थी। देख ली, अच्छा लगा? अच्छा लगा मीम? अच्छा नहीं लगा भाई, बहुत मतलब ऐसा लगा कि बहन जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करने वाली फीलिंग आ रही है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भाई मोदी का नाम सुना है? मोदी का भाई देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ा है। पाकिस्तान की तो मुझे बस एक ही चीज अच्छी लगी, जो बहुत अच्छी है यार, सच में फैन हूँ मैं उसका, सीमा है इधर। हाय हाय बड़ी अच्छी बात है यार। तो सोचो कि अगर सचिन गया होता पाकिस्तान तो उसकी कुट गई होती अब तक। भाभी भाभी उसको बना रहे हो सब। अरे भाभी लवर तो हुई है लाइक, वो अपने बच्चों से लेकर आ गया, वो बोल रही थी पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।
जब वो अपने देश के हो ही नहीं पाई इतने सालों तक रह के, तो तुम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इंडिया की होगी? सचिन का प्यार है ना, प्यार में अंधे हो जाते हैं। सचिन के प्यार ने उसे अंधा कर दिया। सही में प्यार में अंधे हो जाते हैं। मैं भी हो गया यार, मैंने सीमा इधर को देखा जब मैं, यार क्या कोई बात नहीं। तो कल एग्जाम है ना हाफिल्ली का, क्या हो गया? एग्जाम सबके होते हैं, मैंने भी एग्जाम दिए हैं यार, मैं ऐसे थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पे एग्जाम देके ही बैठा हूँ। शादी करा दे, तुम्हारे को क्या दिलाते हैं? तुम्हारे को साइकिल दिलाते हैं, रिक्शा दिलाते हैं, तुम्हारे को चाय की टपरी दिलाते हैं कि तुम बिजनेस कर लो। ठीक है चलो, हमारी क्या कराते हैं? हमारी शादी कराते। साइकिल है, BMW नहीं है, उसको चलाने में मजा आएंगे। लड़कों की जिंदगी झंड हो जाती है यार, उनको करने को कुछ नहीं होता भाई, वो दर दर भटकते हैं 10-10, 5-5 हज़ार की जॉब के लिए। भाई लड़कों की बहुत मुश्किल है, बट फिर भी वो मुस्कुराते रहते यार। लड़कियों का क्या है, शादी कर देंगे किसी और के घर जाएंगे खुश रहेंगे। शादी तो आज नहीं तो कल वैसे भी होनी। हम लड़कों का क्या, बहन जॉब नहीं लगी तो बहन चुद फटके चार हो जाएगी भाई, अगर 10 हज़ार की जॉब नहीं लग रही है यार तुम क्या। ठीक है, हाँ मैं ही समझ पाऊंगी, ज्ञान मिल गया मुझे। हाँ बाय।